कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान विकास तो नहीं पर भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडूता में कही। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र झंडूता पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जेपी नड्डा प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में चहुमुखी विकास करवाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। इस दौरान आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित जिला के विधायक मौजूद रहे। चीन के खिलाफ और भारत के खिलाफ बोला संसद के अंदर साफ हो गए, चुनाव में उड़ गए, एक तरफा चुनाव हो गया, इस बात को समझना चाहिए। ये भारतीयों ने वहां ताकत दिखाई है जिसको समझना। पार्टी साफ हो गई, जिसने कश्मीर के खिलाफ और भारत के खिलाफ बोला वो साफ हो। वहीं सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से प्रदेश और केंद्र मिशन रिपीट का आह्वान किया। बहुत बड़े सम्मान की बात है, काम तो होते रहेंगे लेकिन अब सम्मान और स्वाभिमान का विषय है। हिमाचल प्रदेश की देवी देवताओं की ओर से, हिमाचल प्रदेश के देवतुल्य सभी लोगों की ओर से, जनता की ओर से हम आदरणीय नड्डा जी को बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हैं। आप आगे देने के जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी, दूसरे और आदरणीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको इन दोनों से और बल मिलेगा और हिमाचल प्रदेश को आप ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हम सब लोग संगठन के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को विश्वास दिलाते हैं कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया है, आने वाले समय में और अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हमारे यहाँ से। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि आपके शहर लूणाबाणी में नजदीक टाटा मोटर्स के सामने विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का नया शोरूम खुल गया है, जहां पर आपको नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व थ्री व्हीलर मिलेगी।